हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 3250 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। इसमें 32 फ्रंट है, 50 इस घर की डीप है। इस घर में हमने बना रखे हैं 3 बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, लॉन, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं और आपको कम्प्लीट जानकारी के साथ आपको ए टू जेड जानकारी हम देंगे। हमारे घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन है कि जिसमें मेन गेट हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ मेन गेट होगा और मेन गेट के बिल्कुल सामने हम बनाएंगे स्टेयरकेस कम पार्किंग एरिया। तो यहाँ हम स्टेयरकेस कम पार्किंग एरिया बना देंगे। तो ये हुआ हमारे पास स्टेयरकेस कम पार्किंग एरिया। इसमें हमें को 25 फीट 4.5 इंच बाय 7 फीट 9 इंच का स्टेयरकेस कम पार्किंग एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये स्टेयरकेस कम पार्किंग एरिया आपको यहाँ मिलेगा। स्टेयरकेस एरिया से आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और ऊपर के फ्लोर पर सेम घर बना सकते हो। डिज़ाइन चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा, रेंट पर देना चाहो तो रेंट पर भी दे सकते हो। स्टेयरकेस के नीचे गाड़ी की पार्किंग लिए पार्किंग एरिया भी रहेगा। आगे से 10 फीट की जगह हम खाली छोड़ देंगे, ये जगह हमको खाली छोड़ देनी है। तो ये हम 10 फीट की जगह हम खाली छोड़ेंगे, तो ये खाली जगह हम यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रंट में आपको 14 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का आपको यहाँ बनाना है ड्राइंग रूम। आपको इसमें सोफे लगाना है, टीवी लगाना है और इसके लिए जो विंडो लगेगी वो लगेगी जो हमने लॉन बना रखा है उस साइड में एक विंडो लग जाएगी और उसी साइड में एक दरवाज़ा भी लग जाएगा। तो यहाँ हम ड्राइंग रूम बनाएंगे 14 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का। तो ये ड्राइंग रूम यहाँ बन जाएगा। उसके बाद यहाँ फ्रंट में एक किचन बना देंगे, यानी सेंटर में किचन बनेगा 11 फीट बाय 7 फीट 9 इंच का। गैस चूल्हा, सिंक, फ्रिज हम लगा देंगे इसमें। विंडो बाहर लग जाएगी तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो ये घर के लिए किचन यहाँ बनेगा। किचन हुआ हमारा बाहर के, किचन हुआ यहाँ पर, इसका वेंटिलेशन हुआ बाहर की तरफ से। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ सेंटर में लिविंग कम डाइनिंग एरिया 11 फीट बाई 22 फीट 4.5 इंच का। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया बनाना है। इसमें आप डाइनिंग टेबल लगा देना। अगर बैठने के लिए सोफे लगाना चाहो तो ये वॉल है, इस वॉल के साथ आप एल टाइप में सोफे लगा सकते हो। तो यहाँ आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया बना देना। उसके बाद आपको बनाना है इस घर में बेडरूम। बेडरूम इसमें 3 बनाने, 3 BHK घर बनाना है। आप इस वाले वीडियो को लाइक कर देना आप और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ आपको 14 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का एक बेडरूम मिलेगा। इसमें आपको बेड, टीवी, अलमीरा मिल जाएगी। तो यहाँ आपको एक बेडरूम बनाना है। विंडो आप बाहर लगा देना, यानी कि जो आगे हमने 10 फीट की जगह छोड़ रखी उस साइड में एक विंडो लगा देना, तो इसका वेंटिलेशन आगे होगा। तो यहाँ आपको एक बेडरूम बना देना। तो ये हुआ हमारे घर के लिए बेडरूम। तो ये बेडरूम यहाँ बनाना है। उसके बाद हम आपको घर के दूसरे बेडरूम के बारे में बताते हैं। दूसरा बेडरूम आपको यहाँ बनाना है 11 फीट बाय 12 फीट 3 इंच का। बेड, टीवी, अलमीरा बनानी है इसमें। विंडो बाहर लगा देनी तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो घर के लिए यहाँ आपको एक बेडरूम यहाँ बना देना। तो ये हुआ हमारे घर के लिए दूसरा बेडरूम। तो ये बेडरूम यहाँ बन जाएगा। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना आप। यहाँ आपको बनाना है 11 फीट बाय 5 फीट 6 इंच का टॉयलेट, टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, शावर। वेंटिलेशन के लिए बाहर वेंटिलेटर लग जाएगा, तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे घर के लिए एक टॉयलेट यहाँ बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए टॉयलेट। तो टॉयलेट हम यहाँ बनाएंगे इसमें। तो ये टॉयलेट यहाँ बन जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे हमारे घर में तीसरा बेडरूम।
तीसरा बेडरूम हम यहाँ बनाएंगे 11 फीट बाय 12 फीट का। बेड, टीवी, अलमीरा लगाएंगे इसमें। विंडो बाहर लगा देंगे तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो घर के लिए यहाँ हम तीसरा बेडरूम बना देंगे। ये घर के लिए तीसरा बेडरूम यहाँ बनेगा। हमारा घर 3 BHK है, 32x50 का बना हुआ है। 3 बेडरूम, टॉयलेट, किचन, ड्राइंग रूम, स्टेयरकेस कम पार्किंग एरिया, आगे लॉन, ये सब इसमें बनाया हुआ है। आपको ये वाला घर का नक्शा कैसा लगे इसके बारे में कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना। और इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।